अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑनलाइन विद अशफाक अहमद। टुडे वी विल लर्न अबाउट माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी कैन मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस। तो ये इंटरफेरोमीटर जो हमें दिया माइकलसन नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया, जिसकी वजह से हम इसे माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर कह रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है या कोई डिवाइस होती है, तो डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करने का तरीकेकार क्या होता है कि हमें उसके बारे में कुछ चीज़ें जो है ना स्टडी करनी होती है। कौन कौन सी चीज़ें स्टडी करनी होती है? सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कौन से प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। उसके बाद हमें देखना होता है कि इसके एसेंशियल पार्ट्स क्या हैं और ये किस तरह से कंस्ट्रक्टेड है, जिसे हम फैब्रिकेशन का नाम देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से ये वर्क करता है। और फाइनली कोई अगर मैथमेटिकल इक्वेशन है या कोई उसके साथ एसोसिएटेड फार्मूला है, तो वो हम जो है ना डिस्कस कर रहे होते हैं कि जिसकी बेसिस पे जो जो चीजें उसमें से मेजर की जा सकती हैं, वो चीजें हम जो है ना किसी इक्वेशन के फॉर्म में लिखें। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल से कि इसका प्रिंसिपल क्या है। एज आई हैव टोल्ड यू इन डेफिनेशन कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरोमीटर इज टू मेजर द वेवलेंथ थ्रू द फिनोमेना थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस। इसका मकसद है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस में हमें पता है कि दो वेव्स आपस में मिलती हैं, तो या एक स्ट्रॉन्गर वेव दे रही होती हैं, जिस तरह से ये स्ट्रॉन्गर वेव मिल रही है, या जो है एक वीकर वेव दे रही होती है। तो जब भी उनका ट्रफ टू ट्रफ कॉम्बिनेशन, क्रेस्ट टू क्रेस्ट कॉम्बिनेशन मींस इन फेज कॉम्बिनेशन होगा, स्ट्रॉन्गर वेव मिलेगी, आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन होगा, हमें वीकर वेव मिल रही होगी। जैसा कि इंटरफेरेंस में हमने कहा कि या स्ट्रॉन्गर वेव मिलेगी या वीकर वेव, वो डिपेंड करता है फेज कॉम्बिनेशन पे। जैसा कि यहाँ पे इन फेज कॉम्बिनेशन है, तो इन फेज कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में हमें स्ट्रॉन्गर वेव मिल रही है, तो इन फेज जब भी होगा स्ट्रॉन्गर वेव मिलेगी। और जब भी हमें आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन मिल रहा होगा, मीन जिसे हम ट्रफ टू क्रेस्ट कॉम्बिनेशन कहते हैं, इस तरह से, तो हमें जो है एक वीक वेव मिल रही होगी। मींस यहाँ पे तो एग्जैक्टली जीरो वेव मिल रही है, तो जीरो वेव मिल रही होगी। अब अगर ये कॉम्बिनेशन जो है वेरी करेगा कि इन फेज से आउट फेज होता जाए, जैसा कि अब आप देख रहे हैं इन फेज से आउट फेज हो रहा है, तो इंटरफेरेंस भी तब्दील होता जाएगा। अब आ जाते हैं फैब्रिकेशन पे कि किस तरह से ये इंस्ट्रूमेंट जो है डिजाइंड है और कौन से एसेंशियल पार्ट्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो एक लाइट सोर्स है जो कि डेफिनेटली नीडेड है, और जो हमारे पास बीम है, उस बीम को स्प्लिट करने के लिए दो हिस्सों में हमने एक बीम स्प्लिटर रख दिया, जिसकी एक साइड पार्शली जो है सिल्वर्ड है, जिसमें से हाफ ऑफ द जो लाइट है वो आगे ट्रांसमिट हो जाएगी, हाफ ऑफ द लाइट जो है इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो ट्रांसमिट लाइट हो रही होगी वो यहाँ से फिक्स्ड मिरर से जो है जाके फाइनली रिफ्लेक्ट होगी। मिरर ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को कहा जाता है कि जो कि 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। और एक और हमारे पास यहाँ पे मिरर मौजूद है, ये मिरर हमारे पास मूवेबल मिरर है, जिसको हम मूव भी करवा सकते हैं। और इन दोनों में से जब लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी और कंबाइन होगी, तो यहाँ से ऑब्जर्वर उसको देख रहा होगा टेलीस्कोप के थ्रू, या कोई डिवाइस होगी जिसे हम डिटेक्टर भी कह सकते हैं, वो डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर रहा होगा कि वेदर The combination is constructive or destructive. जब हमने यहाँ से beam of light on की, तो beam यहाँ पे आके दो हिस्सों में बट गई, एक हिस्सा इस तरफ transmit हो गया, दूसरा हिस्सा ऊपर चला गया। यहाँ पे जो थोड़ी सी ये bending हो रही है, इस bending को हम कहते हैं refraction, तो वो refraction भी यहाँ पे हो रही होगी transmitting material जिसमें से transmit हो रही है light, तो यहाँ पे finally हमें जो है ना combination मिल रहा होगा। लेकिन इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ से जो बीम आ रही है मूवेबल मिरर से, उसको एक मीडियम से भी गुजरना पड़ रहा है अदर देन एयर, लेकिन इसको किसी भी मीडियम से गुजरना नहीं पड़ रहा, क्योंकि जब हमारे पास सोर्स बन रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद बन रही है। ये एक सोर्स हो गई और यहाँ से हमारे पास ये जो है ना दूसरी सोर्स हो गई, तो ये दोनों जो हैं
हमें जो लाइट की बीम मिल रही है, अब रिफ्लेक्शन के बाद इस बीम को किसी भी थिकर मीडियम से पास नहीं होना, इस बीम को थिकर मीडियम से पास होना है, तो इट मीन दैट इट विल क्रिएट अ चेंज, दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक बीम स्प्लिटर लगा देते हैं इन दोनों के पास में, जो कि इस डिफरेंस को, जो कि डिफरेंस हमने यहाँ पे अब शो किया कि डिफरेंस आ रहा है, इसको मीडियम से पास होना है, इसको मीडियम से पास नहीं होना। तो यहाँ पे जब हम बीम को कंपनसेट करना चाह रहे हैं, बराबर करना चाह रहे हैं, तो ये हमने बीम कंपनसेटर लगा दिया कि अब दोनों को एक जैसा जो है ना इन्वायरमेंट मिलेगा। वो किस तरह से कि ये बीम जो आ रही है ऊपर से मूवेबल मिरर से, उसको इस शीट से पास होना है, इस ट्रांसमिटिंग मटेरियल से पास होना है, और यहाँ से जो आ रही है उसको इसमें से पास होना है। तो दोनों जो है ना बराबर हो जाएंगी। अब हम फाइनली डिसाइड कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ पाथ डिफरेंस। अब दोनों बीम बिल्कुल एक तरह से हैं, दोनों एयर में से आ रहे हैं, और कुछ हिस्सा जो है ये भी एक थिकर मीडियम से जा रहा है, ये भी एक थिकर मीडियम से जा रहे हैं। तो अब जब इस तरह से दोनों को इक्वलाइज कर दिया, बिल्कुल इक्वल कर दिया, तो उस कंडीशन में हम पाथ डिफरेंस पे डिसाइड करेंगे कि ये इंटरफेरेंस कौन सा है, कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। अब आ जाते हैं वर्किंग पे कि ये इंटरफेरोमीटर वर्क कैसे कर। वर्किंग के लिए आप देखें, हमने एक सोर्स लिया है जो कि एनिमेटेड फॉर्म में अब हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये हमारे पास बीम स्प्लिटर है, मिरर वन है, मिरर टू है, और ये डिटेक्टर है जिसपे हम डिटेक्ट कर रहे होंगे। अब यहाँ से हमने बीम को स्टार्ट किया, बीम जाके बीम स्प्लिटर पे टकरा रही है यहाँ पे वेव फॉर्म में, और उसमें से कुछ अमाउंट इस तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है और कुछ अमाउंट जो है वो आगे ट्रांसमिट हो रही है। दोनों मिरर से जो है वो टकरा के वापस आ रही हैं। डिस्टेंस हमने इक्वल लिया है दोनों मिरर का, और उस कंडीशन में हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव है दोनों के कॉम्बिनेशन से मिल रही वो हमें यहाँ पे मिल रही है ऑन द डिटेक्टर। पाथ डिफरेंस हमने जीरो लिया है, इसलिए हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो हो रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा पाथ डिफरेंस जीरो ही हो, तो उस कंडीशन में हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही मिले, वो पाथ डिफरेंस कुछ और भी हो सकता है जिसके नतीजे में हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी मिल सकता है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे और भी वाजे करता चलूँ कि ये मिरर, फिक्स मिरर और मूवेबल मिरर, इफ बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन दैट केस द इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी इन अकॉर्डेंस विद द YDS एक्सपेरिमेंट। अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें जो पैटर्न मिल रहा होगा दैट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म इंटरफेरेंस के जो है ना मुताबिक वो हमें रिजल्ट मिल रहा होगा। और थिन फिल्म भी किस तरह से वेज टाइप पे होगा, मीन्स एक जो है ना वेरिएबल थिकनेस की जो है ना थिन फिल्म, जिसपे इंटरफेरेंस की जो है ना एक सीरीज मिलना शुरू हो जाती है, कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन। तो इस तरह से हमें पैटर्न मिलेगा इफ बोथ आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हमने अगर पाथ डिफरेंस जीरो लेके हम बीम को ऑन कर रहे हैं, तो आप देखें बीम यहाँ पे आके टकरा रही है, जिसके बाद दो बीम हो गए, दोनों बीम जो हैं अपने अपने मिरर की तरफ गए, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हुए। रिफ्लेक्शन के बाद जो है हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिल रहा है, और ये कॉम्बिनेशन हमें कंस्ट्रक्शन मिल रही है, दैट इज ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, ये ब्राइट फ्रिंज हमें मिल गई। अब हम क्या करते हैं, इस मूवेबल मिरर को थोड़ा मूव करवाते हैं ऑन द बैक साइड, इस तरफ। जब हम इसको इस तरफ मूव करवाएंगे, तो मूव करवाने से हमें ये देखें डिस्ट्रक्शन मिल गई। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हमने पहले जो है मिरर को यहाँ पे रखा था, ब्राइट थी, जैसे ही हमने मिरर को थोड़ा पीछे मूव करवाया तो हमें डार्क फ्रिंज मिल गई। फिर हमने और मूव करवाया, ब्राइट मिल गई, और मूव करवाने के बाद डार्क मिल गई, और मूव करवाया तो हमें अगेन जो है वो ब्राइट फ्रिंज मिल गई। तो इसका मकसद है कि अब जो इंटरफेरेंस है दैट इज कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन दी पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, जितना भी हम डिस्टेंस मूव करवा रहे हैं मिरर को। तो अब यहाँ पे हमें फ्रिंजेस भी काउंट करनी होती हैं। फ्रिंजेस कौन सी काउंट करनी है, अगर हम ब्राइट को फोकस कर रहे हैं तो हमें फ्रिंजेस फोकस करनी काउंट करनी है डार्क, कि कितनी हमने डार्क क्रॉस की हैं। अगर डार्क को हम फोकस कर रहे हैं तो हमें ब्राइट फ्रिंजेस की जो तादाद है वो काउंट करनी होती है, कि हमने कितनी फ्रिंजेस को क्रॉस किया है। तो जिस तरह से अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ब्राइट से स्टार्ट किया, एक डार्क चली गई,
और ये सेकंड डार्क चली गई, हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट सपोज एंड कर दिया, तो हमारे पास m मीन्स नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने हो गए, 2 हो गए। तो हमें एक चीज ये मालूम करनी होती है थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट, और दूसरा हमें क्या मालूम करना होता है कि हमने मिरर को कितना मूव करवाया। ये जो पहली पोजीशन थी, बिल्कुल पहली पोजीशन मिरर की, वो ये है, जो लास्ट पोजीशन थी वो ये है, यहाँ पे है। तो अब जब के हमने मिरर को इतना डिस्टेंस मूव करवा दिया, तो वो डिस्टेंस हमने लेबल कर दिया एक्स से। लेकिन कीप इन माइंड अगेन कि हमने मिरर को एक्स मूव करवाया है, मिरर को हमने एक्स मूव करवाया है, लेकिन ये पाथ डिफरेंस नहीं है। पाथ डिफरेंस फॉर द लाइट मस्ट बी ट्वाइस देन दिस। क्यों? जो कि हमने डिस्टेंस मिरर को मूव करवाया एक्स यहाँ पे, तो लाइट को इतना डिस्टेंस इस तरफ भी कवर करने के लिए ज्यादा हुआ, वापस कवर करने के लिए भी ज्यादा हुआ। मीन्स पाथ डिफरेंस इज ट्वाइस ऑफ दिस, पाथ डिफरेंस इससे ट्वाइस है। तो पाथ डिफरेंस हमें यहाँ से मिल गया, और दूसरा हमें कहाँ से मिलता है, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, कि अगर हम एक कंस्ट्रक्टिव से दूसरे कंस्ट्रक्टिव पे जा रहे हैं तो 1 लैम्डा का डिफरेंस होता है, एक से तीसरे पे जा रहे हैं तो 2 लैम्डा का, एक से चौथे पे जा रहे हैं तो 3 लैम्डा का। तो इस तरह से जो भी पाथ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ होता है फॉर द चेंज ऑफ फ्रिंजेस, वो होता है एम लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, चाहे कंस्ट्रक्टिव टू कंस्ट्रक्टिव लें, चाहे डिस्ट्रक्टिव टू डिस्ट्रक्टिव ले रहे हैं। तो अब आ जाते हैं हम मैथमेटिकल इक्वेशन पे, कि कौन सी इक्वेशन हो सकती है जिसके थ्रू हम इसको इसमें से वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो वो हमने तकरीबन बात डिस्कस कर दी है कि पाथ डिफरेंस एक तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एक्स, दूसरा हम लिख सकते हैं एम लैम्डा। तो दोनों पाथ डिफरेंस की रिप्रेजेंटेशन है, हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी है इक्वल के फॉर्म में। अब इसमें से हमने वेवलेंथ जो है डिटरमाइन करने के लिए इक्वेशन को रीअरेंज किया, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2x ओवर m, सो दिस विल बी द वेवलेंथ। सो दिस इज द माइकलसन इंटरफेरोमीटर थ्रू विच वी कैन मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल को हम इस्तेमाल करके डिटरमाइन कर रहे होंगे कि वेवलेंथ कितनी है। वेवलेंथ को हम मेजर कर सकते हैं YDS एक्सपेरिमेंट से भी और दूसरे कुछ फिनामिना से भी, लेकिन YDS में भी इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पे भी इंटरफेरेंस हो रहा है, तो डिफरेंस दोनों में क्या है? डिफरेंस ये है कि YDS एक्सपेरिमेंट में हम स्लिट्स ले रहे होते हैं जो कि बहुत ही फाइन होती हैं, उनका उनकी जो विड्थ होती है दैट इज अ पार्ट ऑफ द मिलीमीटर, मीन्स 10^-4 या -5 के ऑर्डर की, या समटाइम्स -6 के ऑर्डर की। तो ये जो है ना स्लिट्स इतनी फाइन होती हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे एक ओपन सोर्स है, एक्सटेंडेड सोर्स है, बड़ी सोर्स है, जिसके लिए हमें जो है कोई भी ऐसा फाइन स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड नहीं है, तो इजीली हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई इट प्रोवाइड्स अस ईजियर मीन्स टू कैलकुलेट द वेवलेंथ बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस। For further videos, stay tuned at Education Online with Ishfaq Ahmed.